आज काफ़ी स्पेशल दिन था हमारे लिए। मेरे साथ है विराट कोहली। विराट, बहुत बहुत बधाई आपको। पहली बात, आपका 71st 100 पूरी इंडिया वेट कर रही थी। आई एम श्योर इंडिया से ज़्यादा आप वेट कर रहे थे। बट जो टाइम आपने स्पेंड किया है इतने सालों में अपने गेम को खेलते हुए, आई एम श्योर कि हमें तो पता ही था कि ये जो माइलस्टोन्स है वो होंगे, बट आज का जो इनिंग था वो स्पेशल बिल्कुल है, क्योंकि हमें जीत के ख़त्म करना था। आपने जो इनिंग्स खेली उसमें काफ़ी कुछ देखने मिला। आपने गैप्स अच्छे ढूंढे, शॉट्स अच्छे लगाए, अच्छे बॉलर को, सही बॉलर को टारगेट किया। तो अपने इनिंग्स के बारे में बताइए कि कैसा था, कैसे शुरुआत हुआ आपका और उसके बाद कैसा था फीलिंग? इतनी शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं मेरे साथ पहली बार। मैं तो थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करने का प्लान था मेरा, बट अभी हिंदी का इतना अच्छा रिदम मिला है तो मैंने सोचा चलो हिंदी में ही बात करता हूँ। नहीं, ऑब्वियसली थैंक यू रोहित, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी स्पेशल दिन था हमारे लिए एज ए टीम। हमने बात करी थी पिछले मैच के बाद कि हम किस एटीट्यूड से फील्ड पे आते हैं इस मैच में, वो हमारे लिए मैटर करेगा, क्योंकि हमारे लिए ये टूर्नामेंट ज़रूरी था। डेफिनेटली हमें नॉकआउट स्टेजेस का एक्सपोजर मिला, हमें प्रेशर का एक्सपोजर मिला, लेकिन हमारा गोल हम सबको पता है कि क्या है, वो है ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप है, और हम उसके लिए इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, इन चीज़ों से सीखेंगे जो हमारे मैचेस ठीक नहीं हुए। और पर्सनली मैं एक्चुअली सिर्फ आज नहीं, मैं जब से वापस आया हूँ मुझे एक ब्रेक मिला 12-13-14 साल के बाद, मैंने इतना लंबा टाइम बैट नहीं छुआ, तो काफ़ी चीज़ें पर्सपेक्टिव में आई। और उसके बाद तुम लोगों की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन पूरी क्लियर थी कि मुझे खेलने दो, यू नो, जस्ट लेट मी बैट। और आई थिंक वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, मुझे स्पेस जो तुम लोगों ने सबने मिल के दिया, उस चीज़ से मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ इस पूरे फेज़ में। और जब मैं वापस भी आया तो मैं एक्साइटेड था कि मैं टीम के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और मुझे इस तरीके से इसलिए खेलना था क्योंकि हमारा बड़ा वर्ल्ड कप है, और अगर मैं अच्छा खेलूँगा तो मैं टीम को और कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। और आज यही प्लान्स थे मेरे से। राहुल भाई ने बात करी थी 3-4 दिन पहले बैटिंग फर्स्ट कि मिडिल ओवर्स का जो फेज़ है उसमें मैं अपनी स्ट्राइक रेट को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मेरा एक ही गोल था कि जो जो चीज़ें टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इम्प्रूव करनी है वो मैं इस एशिया कप में आके ट्राई करूँगा। और मैंने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं खुद ही काफ़ी शॉक था इस टूर्नामेंट में, एज यू ऑल्सो मैंशन मैच के बाद, कि किसी ने भी मेरी तरफ से इस फॉर्मेट में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेंचुरी पहले आएगी इतने टाइम बाद। बट आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड राइट नाउ। द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ योर्स इज ऑब्वियसली योर वर्क एथिक, नेवर टू लेट इट गो नो मैटर वॉट द सिचुएशन इज, बट दैट वॉज एविडेंट इन द थ्री knocks that you played. Obviously, we talk in T20 cricket, we talk about big hitting and all of that. That was a perfect example how to craft your innings without focusing too much on big hitting. So that was wonderful to see, and I know it personally because I've seen you bat long enough. So it is something that you always keep in mind when you bat. Definitely, my aim was always to play all three formats. So I just banked on good cricketing shots always, and I always came to every tournament or series thinking that six hitting is not a big strength of mine. I can when the situation demands, but I'm better at finding gaps and hitting boundaries. So as long as I can hit many boundaries, it will still serve the purpose for the team. And I told the coaches as well that I'm going to try to hit gaps in the field rather than, you know, thinking T20 cricket mein strike rate upar le jani hai to hume chhakke marne padenge. तो वो चीज़ मैंने एक अपने सिस्टम से निकाली इस टूर्नामेंट में, और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली क्योंकि मैं अपने टेम्पलेट में वापस आ सका। बट इट्स ऑल अबाउट, एज यू नो, इट्स ऑल अबाउट बीइंग इन अ गुड स्पेस, एंजॉयिंग योर बैटिंग। और हम लोग, वी कैन प्ले इन मेनी वेज, वी बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल इन दिस टीम इज़ कि सिचुएशन के हिसाब से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूँ, बट ऑल्सो अगर डिमांड ऑफ द सिचुएशन इज़ टू टेक द स्कोरिंग रेट हायर, आई शुड बी एबल टू डू दैट। मुझे यही मेरा एम था कि अगर मैं इस जोन में आ गया तो फिर मैं अपने स्पेस में रिलैक्स रहूँगा, क्योंकि मैं 10-15 बॉल में जब मैं सेट होता हूँ तो मैं एक्सेलरेट कर सकता हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी कि स्पेशली फ्रॉम टीम्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट
I'm back to playing in my template like I have played for a while, and which I was going away from because I was a bit desperate to do something which is not in my game, but I've come back to my template. Your form is very critical to our team. We all understand that. And also you are being around, you know, certain guys does help a lot as well. Can you tell something about KL's innings as well? Yeah, I think we should not ignore his knock, because we know how important it is for KL to be in a good space as well heading into the World Cup. We all know what he can do